हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। आज हमारा तीसरा दिन है मनाली में एंड आज हमने प्लान किया है कि हम सिसु और किलोंग जाएंगे अटल टनल होते हुए। कल हमने आपको माड़ी दिखाया था और आज भी वेदर उतना ही अच्छा है। नीचे बारिश हो रही है और वेदर फॉरकास्ट में आपका जो सिसु और किलोंग है वहाँ पे दिखाता है कि स्नोफॉल है, तो जाके देखते हैं स्नोफॉल है या नहीं है। पर बारिश तो इस टाइम हो ही रही है पूरी मनाली में एंड अभी हम जा रहे हैं। आप देख सकते हैं वेदर बहुत प्यारा हुआ है। ऊपर अगर आप पहाड़ देखेंगे तो पूरी धुंध से ढके हुए हैं पूरे जो पहाड़ है। तो चलते हैं, देखिए हम यहाँ पे पहुँच गए हैं सोलांग वैली के थ्रू ही। वहीं से निकले क्योंकि हमारा तो जो होटल है वही सोलांग वैली के अंदर ही था, तो वहाँ से हम निकले हैं। अभी 8 बजे हैं सुबह के, चलते हैं धीरे धीरे, देखते हैं कितना टाइम लगेगा। सिसु का दिखाता है 40 मिनट यहाँ से, देखते हैं अब आगे क्या क्या निकलता है और आगे क्या वेदर रहता है। वाकई में बर्फ मिलती है नहीं मिलती है या सिर्फ वेदर फॉरकास्ट गूगल हमें बेवकूफ बना रही है। चल के देखते हैं, सिसु भी घूमेंगे वहाँ पे और क्या क्या चीजें हैं वो भी देखेंगे। तो चलिए चलते हैं। आप देख सकते हैं हम अटल टनल के अंदर एंटर कर रहे हैं। वेलकम टू अटल टनल रोहतांग। तो वो रास्ता आ चुका है, अब यहाँ से हार्डली 1 किलोमीटर और है। चलते हैं, आप साथ साथ इसके नज़ारे देखिए। अटल टनल के जो बीच में जो पूरा जो रास्ता पड़ता है उसमें देखिए आप, बहुत प्यारा व्यू है यहाँ पे। देखिए आपको हम लॉन्गेस्ट टनल में लेके जा रहे हैं, साउथ पोर्टल अटल टनल रोहतांग। ऑल्टीट्यूड 10,040, स्पीड यू हैव टू मेंटेन एट 40, वरना उसके ऊपर ऑब्वियसली चलान वगैरह होंगे आपके। यहाँ पे बीच में रुकना वगैरह मना है, लोग रुक जाते हैं फोटोज वगैरह लेते हैं, बट हमारी ये रिक्वेस्ट रहेगी कि प्लीज़ फॉलो द लॉ एंड ऑर्डर, क्योंकि कहीं ना कहीं लोगों की भलाई के लिए यहाँ पर ट्रैफिक वगैरह जाम होने की डर रहता है। मौसम देखते हुए पूरा यकीन है कि बर्फ मिलनी चाहिए, बाकी देखते हैं किस्मत क्या है। लगा लो फी बैरियर, यहाँ पे हमें रोका है थोड़ा सा ही निकलने के बाद, देखते हैं क्या चीज है। सो गाइस, ये डेवलपमेंट फीस लगी है, आप देख सकते हैं।
₹200 फीस है यहाँ पे, और ये यहाँ पे शिशु में एंट्री की फ्री फीस है, यहाँ पे जो डेवलपमेंट वगैरह की उसकी नॉमिनल, जैसे हम ग्रीन टैग देते हैं वैसे आप समझ सकते हैं ये फीस है। अब हम आगे एंट्री कर चुके हैं, चलते हैं अब आपको दिखाएंगे। चलिए हम भी स्नो ढूंढ रहे हैं, आप भी स्नो ढूंढिए। शिशु और ये देखिए उसकी एंट्री कितनी प्यारी है, दोनों तरफ पेड़, क्या नज़ारे हैं, पूरी ग्रीनरी, और सामने एक गेट दिख रहा है कलरफुल सा और उस पर लिखा हुआ है लाहौल में आपका स्वागत है। सामने देखिए क्या नज़ारा पहाड़ों का, पहाड़ बादलों में पूरी तरह छुप चुके हैं। यहाँ पे आपको होम स्टेज और काफ़ी चीज़ें मिल जाएंगी लाहौल से, जैसे ही स्टार्ट होते हैं शिशु लाहौल पहुँचते हुए, तो आप यहाँ पे भी आके रुक सकते हैं अगर आपका नीचे सोलांकर पे रुकने का मन ना हो। रोड्स काफ़ी अच्छी हैं, जगह काफ़ी अच्छी है, ग्रीनरी बहुत प्यारी है, व्यू बहुत प्यारा है। वेलकम्स यू विलेज सिसु। अब हम पहुंचे हैं सिसु के विलेज में, एंट्री ली हमने। देखिए यहाँ पे भी आपको काफ़ी होटल्स वगैरह देखिए मिल जाएंगे, अगर कोई एक आध होटल का हमें नाम दे, ये जॉस्टल है जो भी आपको मैंने दिखाया था, ये किस विश्राम गृह बना हुआ है, ये हॉपनो। काफ़ी चीज़ें हैं यहाँ पे भी, ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप लोग आके रुक भी सकते हैं, स्टे भी कर सकते हैं, घूमने भी आ सकते हैं, जैसी आपकी अपनी इच्छा। वुडविला होम स्टे काफ़ी अच्छा बना हुआ है। अब हम सिसु से आगे जा रहे हैं, कीलोंग का रास्ता हमने लिया है क्योंकि वहाँ पे हमें ऐसा कुछ दिखा नहीं, जस्ट वही था कि आप रुक सकते हैं, होम स्टे वगैरह थे, बाकी व्यूज़ ही हैं। तो हम चलते जा रहे हैं क्योंकि बारिश भी हो रही है, तो बच्चे भी साथ में, तो हम कहीं देखते हैं कहीं जगह भी हमें ऐसे भी मिली नहीं ऐसे, तो हम कंटिन्यू करते रहे अपना ट्रिप पूरा आगे। व्यू आप देखते जाइए कितनी सुंदर ग्रीनरी है यहाँ पे। कीलोंग चलते हैं, बीच में कुछ दिखा तो ज़रूर आपको दिखाएंगे। जो बादल है पूरे नीचे आए हुए हैं रोड पे, हमें बड़ा मजा आ रहा है ड्राइव करते हुए। वीडियो में पता नहीं इतना क्लियर दिखेगा नहीं दिखेगा आप लोगों को। पानी देखिए कितना साफ है, बिल्कुल दूध की तरह। ये झरना गिर रहा है, बर्फ नहीं जमी हुई, ये छोटा सा एक ऊपर से। वाले पहले एंड पेट्रोल पंप है, टांडी का पेट्रोल पंप है इंडियन ऑयल। इससे हार्डली एक किलोमीटर डेढ़ किलोमीटर और होगा टांडी पहुंचेंगे, फिर वहां से हम क्रॉस करते हुए जाएंगे कीलोंग। वेदर ठीक ठीक है यहां पे, यहां तो अभी बारिश भी नहीं हो रही, पर वेदर फोरकास्ट अभी भी दिखा रहा है स्नो है, और कीलोंग में तो दिखाता है 100% है। तो चलते जा रहे हैं हम, अगर कहीं मिली तो डेफिनेटली आपको शो करेंगे। देखिए हम अब टांडी तक पहुंच चुके हैं, टांडी ब्रिज आ गया, और एक किलोमीटर जिसको बोलते हैं जो मेन टांडी का कुछ होगा विलेज वगैरह या कोई वहां पे कोई मार्केट वगैरह होगी वो दिख जाएगी, फिर हम जाएंगे कीलोंग। कीलोंग यहां से है 7 किलोमीटर और 7-7.5 किलोमीटर है।
चलते हैं, देखिए बर्फ ढूंढते ढूंढते अब कहाँ तक आ गए। यही रास्ता है जो आगे सीधा निकल जाता है ले लेह की तरफ, तो अगर आप चाहें तो आप लोग यहीं से लेह लद्दाख भी आगे जा सकते हैं, पर हम अभी नहीं जा रहे, जैसे बच्चा छोटा है वहाँ पे सुनते हैं ऑक्सीजन वगैरह की वो आती है कमी। 12 × 82 ले 363 किलोमीटर। लॉन्ग तक आते हैं आने का आपका मन करे तो आप यहाँ पे आके स्टे कर सकते हैं। बड़े सारे होटल्स हैं यहाँ पे, बहुत सारे होम स्टे हैं, जैसे एक था ये इंद्रा करके एक होटल है, वो भी अच्छा है। एंड काफ़ी आपको रेस्टोरेंट वगैरह यहाँ पे मिलेंगे, खाने पीने की कहीं कोई कमी नहीं। नॉर्थ डेलिंग गेस्ट हाउस है, न्यूली अभी कंस्ट्रक्ट हो रहा है, होटल डिचन है, एंड काफ़ी चीज़ें हैं यहाँ पे, तो आप लोग आ सकते हैं। अगर यहाँ पे रुकते हैं तो यहाँ से फिर आपको बेनिफिट ये रहेगा कि आप जिस्पा आराम से जा सकते हैं, क्योंकि कीलोंग से जिस्पा हाफ एन आवर है बस। तो और यहाँ ग्रीनरी भी काफ़ी अच्छी है, तो एज सच कोई प्रॉब्लम है नहीं। हाँ, अगर आप सेप्टेम्बर अक्टूबर में आते हैं तो आप यहाँ पे आराम से यहाँ पे आके आप रुक सकते हैं, क्योंकि आपको फिर यहाँ पे स्नोफॉल या जिसको कहते हैं स्नो वगैरह अच्छी खासी देखने को आपको मिल जाएगी उस टाइम पे। यहाँ पे अच्छा खासा वेदर होगा सितंबर अक्टूबर में, अच्छी खासी ठंड होगी इनफैक्ट, क्योंकि अभी भी काफ़ी ठंड है, बारिश हो रही है, तो यहाँ पे आराम से 2-3 डिग्री तक टेम्परेचर गया हुआ है, इनफैक्ट कभी कभी 0 भी दिखाया उसने बीच में। तो आप लोग अपने अकॉर्डिंगली जैसे भी आपका प्लान बने आप आ सकते हैं। अब साथ साथ हमें जो जो होम स्टे या कुछ कोई अच्छा होटल वगैरह दिख रहा है हम उसकी इन्फॉर्मेशन आपको साथ साथ शेयर करते रहेंगे। गेस्ट हाउस है पैराडाइज गेस्ट हाउस, तो यहाँ पे भी आपको रहने के रूम्स वगैरह मिल जाएंगे। यहाँ कैंप्स वगैरह भी काफ़ी हैं, अगर आप लोग शौक रखते हैं कैंप्स का तो ईको कैंप्स के अंदर आ सकते हैं, अच्छे बने हुए थे। एंड और भी एक आध कैंप थे, अभी आपको मैं नाम बताते चले जाऊँगी, वहाँ पे आप आ सकते हैं। देखिए ये कैंपिंग की है ताशी होटल, ये जूनिपर वैली कैंप्स, ये भी अच्छे हैं, यहाँ पे काफ़ी अच्छे बने हुए हैं, तो आप लोग यहाँ पे भी आ सकते हैं। कीलोंग इन करके एक है, हम ऊपर से एक हमें पॉइंट दिखा ग्वाजंग पुल, तो हम यहाँ पर आए हैं इसको देखने के लिए, और नीचे हम अपनी छोटी सी कैंपिंग करेंगे। हम जगह देख रहे हैं, अभी आपको रास्ता दिखाएंगे हम जब वापस जा रहे होंगे, हम कैसे नीचे आए हैं। इसके साथ में देखिए नदी, ये है ग्वाजंग पुल। सो गाइस ये देखिए हम यहाँ रुके हैं, चंद्रताल का कुछ रास्ता था हम आए, ये देखिए सामने आपको दिख रहा है, हम इसी से पूरा नीचे आए हैं और ये नदी बह रही है। अब हम सोच रहे हैं यहीं पे अपनी गाड़ी के पास में हम अपना वो स्टोव वगैरह लगाते हैं थोड़ा बहुत कुछ। ये देखिए पुल, ये रहा पुल के पास रास्ता, आगे भी है पर पता नहीं कहाँ जाता है। हम ज़्यादा अभी एक्सप्लोर नहीं कर रहे क्योंकि अकेले नहीं है, छोटे छोटे बच्चे हैं साथ में। सो सेफली हम यहाँ स्टार्ट करते हैं। गाइस ये हमारा एक छोटा सा सस्ता सा कैंपेन है, बहुत कुछ तो नहीं लाए थे हम अपने साथ, बट हाँ ये एक छोटा सा स्टोव काफ़ी काम आया, जैसे मैगी बना रहे हैं, बारिश हो रही है, एंड एक बर्तन ले आए थे हम पानी खाई, आप देख सकते हैं साथ में नदी बह रही है, साथ में पहाड़ है, बहुत अच्छा वेदर है, मज़ा भी खूब आ रहा है हमें इसमें।
आप एक छोटा सा एक्सपीरियंस ले सकते हैं खुद भी, ये छोटा सा एक्सपीरियंस लेके। तो हम यहाँ बनाएंगे थोड़ी देर में कॉफी या चाय जैसा मूड हुआ, और अपनी गुड़िया का होमस्टे का, ताजलैंड होमस्टे। हम यहाँ से नीचे गए थे और पूरा वहाँ तक आप जा सकते हैं, गोवन जो वो बना हुआ है ब्रिज आपका। हम अभी वापस आ गए ताजलैंड होमस्टे का, ही देख सकते हैं। हम यहाँ से अभी वापस आ गए क्योंकि बारिश हो रही थी, तो कहीं और देखते हैं अगर हम कहीं होके। अब चलते हैं अपने रिसोर्ट की तरफ। 1 बजे है, 2 बजे तक हम पहुंच जाएंगे रिसोर्ट। चलिए, अगर सोलांग में कोई एक्टिविटी हुई तो आपको दिखाएंगे, तब तक आप ये जो बादल एकदम नीचे आए हुए हैं इसको आप एंजॉय करिए। पे है और 2:30 बज रहा है, 2:30, और यहाँ पे आप देख सकते हो स्नोफॉल हो रही है। हाँ, नीचे नहीं है इतनी, बट ऊपर आप ये देखो पहाड़ पूरा, ये जब हम गए थे तो ब्राउनिश था, इतनी बर्फ नहीं थी, पूरा व्हाइट हो गया है और ऊपर स्नोफॉल हो रही है। देखिए सामने भी, ये जहाँ जहाँ पे धुंध है और जहाँ पे बादल आए हैं वहाँ पे ऊपर स्नोफॉल हो रही है। देखिएगा व्यू है इस टाइम पे। नीचे भी दिखाता है स्नोफॉल का, बट वही है कि टेम्परेचर जब यहाँ पे दिखाता है रात के 12-1 बजे -2 -1 के आसपास जाएगा, तो यहाँ पे दिखाता है कि नीचे भी स्नोफॉल होगी, वरना ऊपर तो सामने ही पता चल रहा है कि स्नोफॉल हो रही है। सिचू में आप यहाँ पे आके रुक सकते हैं, होटल द बुलेवर। देखिए आगे है, इसका नाम है एक ही साथ में होटल त्रिवेणी सिशु एंड रेस्टोरेंट। देखिए आप, चलो ना वाइपर, फोटोज हैं सबकी। और एक ये होटल है, इसका रेस्टोरेंट बहुत प्यारा सजा हुआ है, आगे शॉप्स भी हैं। इसका नाम 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 कहाँ लिखा है, गिफ्ट शॉप। इसका नाम एक मिनट देखना पड़ेगा, हाँ प्लम धारा होटल, ये इसका नाम है। ये 2-3 होटल्स हैं मेन, बिल्कुल शिशु मार्केट के अंदर ही। आप यहाँ पे आके रुक सकते हैं। ये प्लम धारा की पार्किंग है, देखिए इन्होंने लिखा भी हुआ है ऊपर, तो ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। काफ़ी अच्छे हैं ये 2-3 होटल्स, यहाँ पे आप आके रुक सकते हैं शिशु के अंदर। ये मेन मार्केट का ही उसका एरिया है जहाँ पे ये 3-4 होटल्स थे जो अच्छे थे। ये और भी बने हुए हैं, होम स्टे काफ़ी सारे हैं, काफ़ी सारे हैं, मतलब इतने हैं कि शायद हम इसके अंदर कवर भी ना कर पाए। एक ये है मेन, जो मेन रोड पे हम से वो बता पा रहे हैं, ला हॉल्ट करके है, ला हॉल्ट करके एक है, वहाँ कैंगरा बैंक, कांगड़ा बैंक था कोई उसके पास में है, कांगड़ा करके। द बुलेवर होटल एंड रेस्टोरेंट, ये ऊपर भी है एक दूसरी ब्रांच उसकी, ये आप देख सकते हैं यहाँ पे भी है। तो 2 जगह है द बुलेवर, तो आप लोग कन्फ्यूज में तो ये होगा, एक मेन रोड पे है कि ऊपर बना हुआ है। एंड ये सामने झरना दिखता है,
एक और झरना हमें आज दिखा, ये देखिए सामने से ऊपर स्नोफॉल हो रही है, नीचे झरना गिर रहा है और ठंड पूरी इतनी ज्यादा है ना, पूरा 1 डिग्री टेम्परेचर इस टाइम पे हो रहा है और 0 डिग्री -1 कभी भी हो सकता है। 4-5 बजे के आसपास दिखा रहा है -1। तो हम भी अब फटाफट रिसोर्ट जा रहे हैं। ये देखिए ये आपका छोटा सा एक झरना बह रहा है, खूब तेज बहाव है पानी का क्योंकि बारिश हो रही है कल से कंटिन्यूसली, तो ऊपर स्नोफॉल तो हो ही रही है। ये देखिए सामने अगर आपको लोगों को दिख रहा हो एक झरना, और मैं जूम करती हूँ वीडियो में, ये देखिए कितनी तेज बह रहा है वो, और ऊपर बर्फ के पहाड़, पूरी स्नोफॉल हो रही है ऊपर, ये बिल्कुल फ्रेश बर्फ है, मुझे नहीं दिख रहा पतला हल रहा वीडियो में आप लोगों को कितना क्लियर दिख रहा होगा, बिल्कुल फ्रेश प्योर व्हाइट कलर की बर्फ है और बहुत अच्छा व्यू आ रहा है यहाँ से। हम बाहर नहीं निकल पा रहे इस टाइम ज़्यादा वीडियो बनाने के लिए क्योंकि बहुत तेज बारिश है। तो गाइस शिशु के अंदर ये पूरा एक फूड हब आता है, आप ये देख सकते हैं लाइन से सारी वैंस ही वैंस खड़ी हैं यहाँ पे, काफ़ी बड़ा ये है पूरा फूड हब है वहाँ तक कॉर्नर तक। कुछ खाने पीने के लिए और वैसे यहाँ पे एक फोटोग्राफी पॉइंट भी है, हम आपको दिखाते हैं ऐसे निकल के। यहाँ पे जिप लाइन बुकिंग काउंटर भी है बट अभी उन्होंने सबने सब कुछ रोक रखा है क्योंकि बारिश बहुत तेज है, तो ऑब्वियस है, पर यहाँ पे भी एक आध एक्टिविटी आप आके कर सकते हैं। काफी जिप लाइन काउंटर है आगे आप देख सकते हैं, एक है सामने आपको दिख रहा होगा वैन के बीच में से, और पीछे पूरी एक्टिविटी एरिया है, लॉन्गेस्ट जोन जिप लाइन एंड सब कुछ जो है बच्चों की एक्टिविटीज, और ये सामने खाने पीने का सब कुछ, तो यहाँ पे आप आ सकते हैं अच्छा टाइम स्पेंड कर सकते हैं, बच्चे हैं तो बच्चों के लिए भी काफ़ी कुछ है। और यहाँ पे आपका ये जो पूरे जो पेड़ हैं जो येल्लो ट्रीज जो दिखाते हैं वो पूरा पॉइंट है, यहाँ पे आप लोग चाहो तो वो फोटोग्राफी भी आप कर सकते हो। एयरटेल कैफे है ये आपको स्टार्टिंग में दिखेगा, आई लव लाहौल का वो पूरा बैनर है फोटोग्राफी वगैरह करने के लिए। एंड अब ये आता है आपका, ये देखिए ट्रीज, ये पूरा ग्राउंड है बहुत बड़ा खाली सा है, यहाँ पे आप लोग ट्रीज के वहाँ पास फोटोग्राफी, आई लव लाहौल इसके पास ये पूरा कैफे बना हुआ है, इसके आगे पूरा वो फूड हब है, यहाँ से यहीं से हमने एंट्री ली थी। ये सामने पूरा ग्राउंड, मेन रोड से आपको ये नीचे का आने का दिख जाएगा पूरा, एक्टिविटीज हो रही होती है ऊपर से आपको दिखेंगी, आप चाहो तो नीचे आ सकते हो। हम सीसू से आते हुए निकल गए कॉक्सर के लिए, हम अटल टनल नहीं गए, अभी चलते हैं, अभी 4 ही बजे, हमने कहा चलो आए हैं, अभी यहाँ से सिर्फ 7 किलोमीटर है तो हम देख कर आते हैं वहाँ पे भी क्योंकि बारिश हो रही है, वेदर बहुत अच्छा है। सामने देखिए क्या प्यारा सा व्यू है, पहाड़ पूरे ढक चुके हैं, ऊपर स्नोफॉल हो रही है ऑलरेडी और दिख रहा है क्योंकि अलग से पहाड़ धीरे 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 और ज़्यादा वाइट होते जा रहे हैं। तो चलते हैं कॉक्सर भी देख के आते हैं, काफ़ी सुना है कॉक्सर के बारे में, भी आपको भी दिखाते हैं। आसपास इसमें भी बर्फ है पर देखिए कितनी मैली हो चुकी है ना ये बर्फ, और वहाँ कितनी वाइट थी, ये बॉक्सर है, यहाँ पे भी वो ऐसे से ही व्यू है जैसे हमें माड़ी में और रोहतांग में मिलते हैं। देखिए यहाँ पे भी बर्फ बहुत है बॉक्सर में, तो आप यहाँ पे भी एक अगर आप आते हैं 2-3 दिन के लिए तो एक आप यहाँ पे भी आ सकते हैं बॉक्सर पे घूमने, यहाँ पे
भी आपको व्यूज अच्छे मिलेंगे, रोड्स अच्छी है बनी हुई, रोड्स की कोई प्रॉब्लम है नहीं इस साइड। बक्सर में सबसे ज्यादा वाटरफॉल देखने को मिले हमें, हर थोड़ी दूर पे एक वाटरफॉल है, हर थोड़ी दूर पे एक वाटरफॉल है। क्या प्यारा वाटरफॉल है ना, आगे बर्फ और नीचे पानी। सुंदर जगह है बक्सर भी। कॉक्सर में भी आगे रुक सकते हैं, काफ़ी होम स्टे यहाँ बने हुए हैं। गैपर होम स्टे पूरा हब है होम स्टेज का, जैसे सोलांग पे बना हुआ है वैसे ही है यहाँ।